हरियाणा में पंचायत चुनाव दूसरे चरण के 9 जिलों में आचार संहिता लागू, ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, चुनाव आयोग की परमिशन जरूरी। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग, 98% हुआ मतदान, हुड्डा उदयभान शैलजा ने डाले वोट, 195 में से 2 मतदाता रहे अनुपस्थित। SYL नहर के नए विवाद में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, हरियाणा के हक में आ चुका है फैसला। रोहतक जिला परिषद के नामांकन ADC ऑफिस में भरे जाएंगे, पंच और सरपंच के पंचायत स्तर पर और पंचायत समिति के ब्लॉक स्तर पर भरे जाएंगे नामांकन। महेंद्रगढ़ नारनौल में 9 गांव में बनेंगे वाटर स्टोरेज टैंक, MLA अभय सिंह बोले सरकार ने योजना मंजूर की, पानी की कमी होगी दूर। सोनीपत भारतीय कुश्ती दल को स्पेन दूतावास से नहीं मिला वीजा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में नहीं हो पाए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरत पड़ी तो दोबारा लिखेंगे पत्र, कहा कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है उसने पार्टी को मजबूत किया। सिरसा डबवाली रोड के पुनर्निर्माण के लिए नगर परिषद नहीं जारी कर पाया राशि, विभाग ने उपायुक्त को लिखा पत्र। झज्जर खंड स्तर पर होगी जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती, DC व SP ने किया मतगणना के प्रस्तावित केंद्रों का निरीक्षण। फतेहाबाद विद्यार्थियों को मिले टैबलेट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करने की आशंका, 82 PGT करेंगे जांच। कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट और राजस्थान के MLA समेत 39 वोट पड़े, थारूर को पोलिंग एजेंट नहीं मिला। रोहतक MDU फैकल्टी सदस्यों की क्षमता में बढ़ोतरी पर जोर, कार्यशाला में वक्ता बोले शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनने की मानसिकता रखे, शोध जरूरी। रेवाड़ी नगर परिषद में अचानक पहुंचे DC, काम करवाने आए लोगों से की मुलाकात, NDC और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दिए निर्देश। भिवानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए दाखिले प्रारंभ, 27 अक्टूबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण।